परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में सादर वंदन। महाराज जी, कभी कभी हम गुस्से या तनाव के कारण कटु वाक्य कह देते हैं या गलत व्यवहार कर बैठते हैं, बाद में उस पर पछतावा होता है। कृपया मार्गदर्शन दे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपने शब्दों और व्यवहार को सुधार सके और आत्मा में शांति बनाए रख सके। आपके उपदेश हमारे जीवन में सही दिशा और शांति लाएंगे। हमें नम्र रहना चाहिए। हमारे पूज्य जन है, वो कभी भी गुस्सा हो, कटु वचन कहे, तो हमें नम्र रहना चाहिए। बड़ी पवित्र बुद्धि है जो आप ये प्रश्न कर रही हो, नहीं तो आज का समाज तो ऐसा हो गया, बड़े बूढ़ों को थप्पड़ आ रहा है, पीट रहा है, गला काट रहा है। ये मतलब बहुत ही निम्न बुद्धियां होती चली जा रही। अपने पूज्य माता पिता वयोवृद्ध को चप्पलों से मार रहे हैं। अरे खवा पिया के तुम्हें इतना बड़ा किया, माता पिता में भगवान नहीं देखोगे तो कहाँ देखोगे। तो हमें लगता है कि यद्यपि है कठिन, जब अपने कोई निज जन हमसे कटु वाक्य कहें और हम चुप रहें, यही तो भगवान की कृपा है। देखो, जब विभीषण जी को रावण ने लात मारा ना, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल उठे, उमा संत कै यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम्हारा कोई बुरा वचन बोलकर दुख पहुंचा रहा है और अपना जन है, बड़े बुजुर्ग जन है, तो हम चुप हो जाते हैं, दांत ऐसे नहीं बोलना। अगर हिम्मत न खड़े रहने की तो वहां से चल दे, पर कट वचन न भूले। क्योंकि अगर हमारे द्वारा बड़ों का अपमान हुआ तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सत्संग साधु सेवन सब बेकार चला गया। विद्या क्या सिखाती है? विनम्रता। और आज विद्या उदंडता सिखाती है। देखो ना, आधुनिक विद्या पढ़ के बच्चे उदंड हो रहे हैं। और विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय प्रदान करती है। तो अगर आप सत्संग सुनती हैं तभी आप यहाँ आई हैं, तो हमें लगता है भगवान की कृपा है आप पर, आप उसे सहन कीजिए। और कभी अगर कटु वचन बोलने की हमारे अंदर वेग आ रहा है तो दांती पीस लें, नहीं बोलना। हम में इतनी ताकत है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, पक्का। भगवान ने इतनी सामर्थ्य दी, जब हम बुरा बोल सकते हैं तो हम अच्छा भी बोल सकते हैं। इसलिए विचार पूर्वक अच्छा बोलें, नहीं तो मौन हो जाए। हम अपने को कस नहीं रहे कि हमसे नहीं रहा जाता तो हमसे इसके बिना नहीं रहा जाता। कई लोग ऐसा कहते हैं, नहीं आप सब कुछ छोड़ सकते हो, आप में बहुत सामर्थ्य, आप अपनी सामर्थ्य को जगाइए। जब शरीर छूट जाएगा तो यार प्याज लहसुन ये सब गंदी बातें छोड़कर भगवान के चिंतन में आओ, भगवान का भजन, तो आप सहनशील बनो। हमारी प्रार्थना है, इसमें आपको बड़ा सुख मिलेगा, आपको भगवान की कृपा में अनुभव में आएगी। अगर लात मारना विभीषण जी सह गए तो राम जी की शरणागति पक्की हो गई। नहीं है, उसी से तो शरणागति आई। नहीं, अभी तक लंका में रहते हुए राम जी की स्मृति में थे, लेकिन राम जी के पास जाना ऐसी बात भी नहीं थी। जे भी लात मारी तो शरणागति पक्की हो गई, भगवान की शरण में आ गए। तो अगर हमको कोई कटु वचन कोई हमारा ऐसा, और हम भगवान के, तो भगवान हमें अपने नजदीक, भगवान हमारे हृदय के नजदीक आएंगे, हमें आनंद प्रदान करेंगे, हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी। भक्ति की स्थिति तभी ऊंची मानी जाती है जब मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख का कोई प्रभाव उसके हृदय में न पड़े। तुम धीरे धीरे अभ्यासरत रहें, हमारी सामर्थ्य है, सब कुछ सह सकते हैं। देखो, हम एक सुई ऐसे लगाने में डरते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सहते हैं ना, पैर टूट जाता है, महीनों सरिया पड़ी रहती है, हम सब सहते हैं, हम सब कुछ सह सकते हैं। वो अगर हम विचारवान हैं तो सब कुछ सह सकते हैं, तो हम गाली क्यों नहीं सह सकते, कोई कटु वचन कह रहा हम क्यों नहीं सह सकते। सोचो, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, किस तरह से कैसे क्या क्या सब होता है, वो सहता है ना। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य है, हर बात सहने की सामर्थ्य है, बस हम वो सामर्थ्य जागृत कर लें। अभी हम उस सामर्थ्य से ही ना सामर्थ्य जागृत। देखो, एक आदमी जब ये सोच लेता कि मैं मरा, अब उसके अंदर भय नहीं रहता, वो कुछ भी कर ले। जैसे जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं
इनको इतना पुष्ट किया जाता है कि वो मृत्यु का वरण करने में भी अब घबराते नहीं। तो देखो, दिमाग में, सोच में, विचार में वो पक्के हो गए, तो नकारात्मक सोच दूसरों को दुख देने के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा लिए कि अपने शरीर को चिथड़ा कर लिया। अगर हम सकारात्मक सोच में उतरे दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए और कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय देही। तो हम सहनशील बने एक सीमा तक। अब दूसरी बात हम रख रहे हैं, आपका स्त्री शरीर है, व्यवहार में कटुवचन बोलना ठीक है, लेकिन किसी भी घर में जो जो हमारी बात सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे को, बच्ची को, बहू को यदि शोषण प्रवृत्ति से घर वाले भी प्रयोग कर रहे हों तो उसे कानून की शरण लेनी चाहिए, उसे चुप होकर नहीं बैठना चाहिए, उसे दब के नहीं बैठना चाहिए। आज का समय आपको दबने का नहीं है, क्योंकि बच्चों का, बच्चियों का इस तरह के अगर परिवार के समर्थ लोग शोषण करते हैं तो दंडनीय अपराध है। भगवान ने कहा है, अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सठिये कन्या संचारी इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई ताय बधे कछ पाप न होई। तो अपने को अपने हाथ में कानून नहीं लेना, सरकार की रिपोर्ट करे कानून के और वो उसका सहयोग ले, क्योंकि कई ऐसे हमारे पास मतलब ऐसे आए जिन जो पिता ही बच्चों का शोषण कर रहा है, परिवार के निजी जन ही मतलब गलत आचरण कर रहे हैं, अपने बच्चे अपने परिवार की जो वधू हैं अब वो हर तरह से सोच विचार करके दबी हुई, अब उनको एक जगह मिली कि हम अपनी बात कह सकते हैं, तो सबको हटा करके यहाँ कई बार ऐसी बात आई, तब मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं तो ये तो ऐसा लगता है कि पिता अपने बच्चे से कैसे कह सकता है, गलत काम कैसे कर सकता है, अपना बच्चा है, अपना बच्चा है, उसके साथ कैसे आप उतर सकते हैं गंदे आचरण के लिए। और तो हमें लगता है कि जितने लोग सत्संगी हैं वो तो संभले, जो कुसंगी हैं उनकी बात अलग, जो सत्संगी कभी अबलो नशानी अमना से आज तक जो गलती हुई ऐसी गलती ना करो नहीं तो दुर्गति हो जाएगी, आप पक्का समझ लो। तो कभी भी ऐसा कोई अपराध जनित कार्य ना करो, आप सब सत्संगी हो, भगवान ने यदि पाणिग्रहण संस्कार करके धर्म पत्नी दी है तो धर्म से काम का जो उपभोग किया जाता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है, अधर्म का काम नरक पहुंचाने का, और फिर इन छोटे छोटे बच्चों का शोषण करना है तो बहुत बड़ी, और ये बहुत बड़ी गंदगी फैल रही है, क्योंकि भजन है नहीं, सत्संग सुनना नहीं, धर्म शास्त्रों को पढ़ना नहीं, तो उनको भय नहीं लग रहा कि पाप है। भैया हमारे पूर्वज लोग जब बेटी का ब्याह करते थे तो उसके घर में पानी नहीं पीते थे, आप लोगों को पता होगा, बोले बेटी का ब्याह हुआ भाई यहां पे यहां, कितना पवित्र भाव बेटी के प्रति कि उसके ब्याह के बाद उस घर का पानी नहीं पीते थे। बेटी के प्रति गलत भाव की तो बात जाने दो, और पूरे घर को अपना पूज्य मानते थे, उस घर का जहां बेटी भी आई गई उस घर का कोई भी आ जाए तो ऊंचे आसन पे बैठाना, पैर धोना, खवाना पियाना, कितना पवित्र भाव। इसे लोग कहते पुराने जमाने, तो आज के नए जमाने का क्या दुर्दशा हो रही, ये मर्यादाएं थी। अब आज की मर्यादा आप लोग देख ही रहे, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है, बोले लव मैरिज हुआ है और 6 महीना बाद डिवोर्स हो गए, ये लव मैरिज हुआ 6 महीना बाद। प्यार का मतलब क्या है यार, जिंदगी भर निर्वाह करें, जिससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसका मतलब ये थोड़ी कि। तो आज का जो समय है धर्म विहीन होने के कारण सब अशांति ही अशांति, जैसे वो कह रहे थे मैं खुश नहीं हूं, तो उनको सुनाया था भर्तरी चरित्र कि इसीलिए खुश नहीं। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा विचार ठीक नहीं होगा, जब तक हम भगवान से डरेंगे नहीं, धर्म से डरो, कानून से डरो, भगवान से डरो, ऐसे आचरण मत करो जो नहीं करना चाहिए, तो अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंदित हो जाओगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, 4 दिन का जीवन है, कर्म कभी तुम्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए बहुत सावधान, कोई पाप कर्म ना हो, तुम्हें कोई जंतुर कलावा दान पुण्य नहीं बचा सकता। जब पाप कर्म करोगे ना तो उसका भोग भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ तो सांप लगा, तो भगवान पुत्र हैं, सांप नहीं मिटाए, वैसे ही दशरथ जी को तड़प तड़प के प्राण त्यागना पड़ा। अब सोच लो भगवान के बाप हैं,
और हम लोग तो जीव हैं, कितना पुण्य करेंगे, कितना पुण्य करेंगे। पाप कर्म से डरो, अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृतम कर्म सुभाषम।